जनपद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बेखौफ होकर बदमाश लूट, डकैती, हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मामला गोवर्धन क्षेत्र का है, जहां स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में सवार दंपति को बदमाशों ने बरसाना रोड के गांव भगोसा के समीप रोक लिया और गाड़ी लूटकर भागने लगे। गाड़ी लूट की सूचना जब इलाका पुलिस को मिली तो इलाका पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर डाली। जवाब में पुलिस ने बदमाशों पर गोलियां चलाई, जिसमें एक बदमाश सोहन लाल गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। वहीं दरोगा अर्जुन राठी के पैरों में गोली लग गई। मौका देखकर दो बदमाश फरार हो गए। इस मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश और दरोगा को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या नाम है तुम्हारा? सोहन लाल। क्या? सोहन लाल। कहाँ के रहने वाले हो? पचावर। क्या मामला था ये? सर जी के लूट न लूट हुई। आप लूट कर रहे थे? हाँ जी। कितने लोग थे? तीन। किससे की आपने लूट? अरे वो गाड़ी वाले से। क्या लूट कर रहे थे आप? पैसे छुड़ा रहे थे उससे। कौन सी गाड़ी थी? स्विफ्ट डिजायर। क्या नाम बताया आपने अपना? सोहन लाल। पिताजी का नाम क्या है? नथीलाल। नथीलाल। और कौन साथी कौन कौन थे आपके? लाल सिंह था और दूसरा बता। एक लाल सिंह था, कहाँ का है वो? वही गांव के पास का, ये ढोकला की। अच्छा, और दूसरा? दूसरा नहीं बता सर, वो तो आप, आप किस वाहन से थे? मैं जी, हम लोग वो से आए थे सुमो गोल्ड से, वहाँ उतर गए थे। वो उसने 30-30 रुपए भाड़े में बैठाया था। अच्छा, क्या क्या बरामद हुआ है आपके पास से? राउंड और तमंचा। राउंड? कितने राउंड? 10। 10 राउंड और तमंचा। रहने वाले कहाँ के आप जी? वो गए बचावर। तो आपके भी गोली वोली लगी है? हाँ जी। किसकी? पैर में लगी है सर। किसने मारी? बदमाशों ने मारी है आप में? पता नहीं सर किसने मारी। आपने पुलिस पर फायरिंग की थी? क्या हुआ दरोगा जी, क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई कि एक लूट की सूचना थी कि बरसाना रोड पर कोई गाड़ी लूट कर गई है। उधर से पता लगा कि कोई स्विफ्ट गाड़ी लूट के आ रहे हैं। तीन लोग थे जो भगोसा की नहर की पुलिया है वहाँ पे हमने पहुँच लिए। वहाँ से कच्चे रास्ते पर उन्होंने गाड़ी उतार दी और दो तो भाग निकले। ये डाया गाड़ी चला रहा था, ये इसने अपने पास जिसके पास तमंचा था उससे इसने फायर वायर किया हमारे ऊपर। एक गोली मेरे पैर में लगी। गोली आपके पैर में लग गई है? हाँ। अच्छा, पकड़ा गया है? हाँ, बदमाश पकड़ा गया। गाड़ी समेत? गाड़ी समेत। कितने बदमाश थे? गाड़ी उसमें नहर में पुलिया में टकरा गई, नीचे पलट गई है। बदमाश कितने थे? बदमाश तीन थे। दो भाग गए? हाँ, दो भाग गए। बरसाना रोड पर कोई पुलिस मुठभेड़ हुई है बदमाशों के साथ में, क्या पकड़ा है वो, क्या मामला? उसमें कौन पकड़ में आया? थाना गोवर्धन के अंतर्गत ग्राम महरौली पड़ता है, वहाँ एक लड़की सरिता रहती है। ये अपने बहनोई के साथ फरीदाबाद जा रही थी और रास्ते में इसको तीन बदमाश जो टतवंशा लिए हुए थे, इसकी स्विफ्ट VDI गाड़ी छीने, इससे कुछ पैसा लिए और इसका जो अन्य सामान थे लिए और ये लेके जा ही रहे थे। तब तक हमारी पुलिस टीम उधर से आई और आपस में इनसे मुठभेड़ हुई। मौके से गाड़ी और इसका जो भी सामान था वो बरामद हुआ। एक बदमाश घायल हुआ, हमारे एक SI को भी फायर लगी है जिसको जिला अस्पताल भर्ती कराया जा रहा है। बदमाश भी जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है और इसके दो अन्य साथी फरार हुए हैं जिनके लिए दबिश हम लोग दिला रहे हैं और इनको जिला चिकित्सालय भेजकर कानूनी कार्रवाई कराई जा रही है। साथ में मुकदमा लिखकर भी इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस सूचना पर वहां पर पहुंची है या फिर एक संयोग रहा है, क्या मामला है सर ये? अब ये तो कुछ संयोग ही बताया जा रहा है, अब इसकी गहराई से छानबीन होगी कि किसी स्थिति में। लेकिन जब अब तक जो प्राप्त सूचना है जो हमारी पुलिस बता रही है कि ये जैसे लूट के वहाँ भागे हैं वैसे पुलिस उधर से गई है, इनकी सूचना पर ये सारा सामान बरामद हुआ। सर, SI और उसको बदमाश को गोली कहाँ पे लगी है? अब बदमाश को तो फायर आर्म इंजरी हमने नहीं देखी, लेकिन हमारे SI को पैर में गोली लगी है और बदमाश के भी फायर। सर, बताया जा रहा दोनों के पैर में गोली लगी है। हाँ, तो अब ये संयोग है,
मारने का उद्देश्य नहीं था, सीधा मारने का उद्देश्य नहीं था। कौन कैसा है ये तो विवेचना में आएगा, किस तरीके से लगी, कैसे लगी, किस किन स्थितियों में लगी, ये विवेचना का बिंदु है और बाद विवेचना इसके इसमें कार्रवाई की जाएगी। इस खबर के प्रायोजक थे जसवंत सिंह भदौरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी AICTE से मान्यता प्राप्त और प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबद्ध, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग डी फार्मा कंप्यूटर इंजीनियरिंग 12 PCM और ITI पास छात्रों को सीधा प्रवेश, 85% छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट, कैंप ऑफिस कोसीखुर्द भरतपुर रोड मथुरा। हमारा मोबाइल नंबर है 08979000125 08979000126। तो आज ही संपर्क करें जसवंत सिंह भदौरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मथुरा।